तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य पे। और पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि हमारा जो एनजी स्टाइल प्लेयर है वो एनएक्सटी में एंटर कर चुका है, और एनएक्सटी में आने के बाद कुछ मैच खेलने के बाद हमारे जो जीएम है विलियम रीगल, उन्होंने हमें एक चैंपियनशिप का ऑफर किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डेमियन प्रीस्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका का चैंपियन है, उसने क्या किया, हमारे ऊपर बाउंटी लगा दी है $50,000 की, जो हमें हराएगा। और वो हमने मैच एक भी नहीं हारा, उसके बाद उसने हम पे $100,000 की बाउंटी लगाई है। और ये दोनों प्लेयर उस बाउंटी को लेने के लिए हमसे मैच कर रहे हैं भाई। तो इस हैंडीकैप में ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। कौन है, कहां से आते हैं? और अगर हम ये बाउंटी वाला मैच ये वाला जीत जाते हैं $100 का, तो लास्ट में मुझे लगता है कि फिर शायद कहीं जाकर डेमियन प्रीस्ट जो है वो हमारे साथ फाइट करने के लिए आएंगे। अभी डेमियन प्रीस्ट से फाइट करना है, और उस फाइट को जीतने के बाद हम बन जाएंगे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। कैसा लगा मेरा मजाक? मैच का ऑब्जेक्टिव आपने रीड कर ही लिया होगा, लेफ्ट साइड पे ऊपर आ रहा है भाई, नॉकआउट करना है दोनों को। तो नॉकआउट करने के लिए फिनिशर पे फिनिशर चिपकाने पड़ेंगे भाई। एक फिनिशर तो चिपका दिया, ये लो भाई दूसरा भी। तो अभी देखो भाई, ये लो भाई स्पीयर, और दो फिनिशर लगा दिए भाई। अब फिनिशर हमारे पास जैसे ही आएंगे वो देखते हैं भाई क्या रहता है। हमें फिनिशर लगाने हैं फटाफट से। दो फिनिशर लगाने के बाद मैंने मैच को थोड़ा सा बीच में से कट कर दिया, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े हमारे फिनिशर्स का और प्लेयर के एलिमिनेट होने का। तो जैसे ही एलिमिनेट होगा प्लेयर, ये लो जी, अभी फ़िलहाल हमारा प्लेयर पूरी तरह से बढ़िया खेल रहा है, और डैमेज भी बहुत कर दिया इन दोनों को, क्योंकि डैमेज ही चाहिए भाई नॉकआउट करने के लिए सबसे ज़्यादा। और ये मुझे लगता है ये किधर लेके जा रहा है, एक और फिनिशर की तैयारी है भाई। ये मुझे लगता है ये पड़ा सुपरमैन पंच, और अभी पड़ेगा स्पीयर साथ के साथ ही। और ये लो स्पीयर भी भाई, तो स्पीयर हमने लगा दिया है भाई, और फिर से दोबारा अब देखते हैं भाई। ये लो, मुझे लगता है एक प्लेयर हमारा एलिमिनेट कर दिया भाई नॉकआउट से, एक प्लेयर एलिमिनेट हो गया भाई। अब ये दूसरा प्लेयर रहता है, अभी इसको भी हमें एलिमिनेट करना है भाई। डैमेज इसको भी बहुत पड़ा हुआ है, मुझे लगता है जहां हमने इसको एक फिनिशर या सिग्नेचर मार दिया, और ये एलिमिनेट हो जाएगा मुझे लगता है। एलिमिनेट हो ही जाना चाहिए, तभी हमारा मैच भाई डेमियन प्रीस्ट के साथ होगा, क्योंकि ये लो भाई सिग्नेचर मूव चिपका दिया भाई, क्योंकि ये $100,000 की बाउंटी हमारे ऊपर लगा दी भाई डेमियन प्रीस्ट ने, क्योंकि वो हमसे सामना ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं बच जाऊं किसी तरह से, लेकिन हम बचने देंगे तभी ना भाई। फिलहाल तो पिटाई अच्छी हो रही है। और ये लो भाई, अभी इसको अगर फिनिशर पड़ गया ना, ये लो सुपरमैन पंच, और अगर फिनिशर पड़ गया तो शायद ये हो जाएगा नॉकआउट। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। डेमियन प्रीस्ट आएंगे हमसे मैच करने के लिए। हाँ डेमियन प्रीस्ट, तो बिल्कुल, तो फाइनली डेमियन प्रीस्ट आने वाले हैं भाई हमसे मैच करने के लिए, और हमारा मैच जो होगा वो अगला वो होगा चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच हमने जैसे ही करके जीतना है, और डेमियन, हाँ ये देखिए भाई हमारा आ गया भाई। अब यहाँ पर मैच होगा भाई चैंपियनशिप के लिए, और अब आएगा मज़ा भाई, एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। डेमियन प्रीस्ट आ रहे हैं भाई, और ये आ चुके हैं भाई रिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट भी। तो अब ये हमारे प्लेयर की एंट्री दिखा रहे हैं भाई। चलो अब डेमियन प्रीस्ट से मैच शुरू, और अब हमको ये मैच जीतना है भाई किसी भी तरह से, पिनफॉल सबमिशन दोनों में से किसी भी तरह से हम ये मैच को जीत सकते हैं। ओ क्लोज लाइन लगाने की कोशिश कर रहे थे भाई, लेकिन नहीं कनेक्ट हुआ। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी तरह से ये मैच को जीतना है भाई, पहला चैंपियनशिप। ये लो भाई रिवर्स कर गया हमारा प्लेयर। तो एनजी स्टाइल अभी तक तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है यार, जबकि हमने जो गेम का लेवल है ना भाई वो लेजेंड किया हुआ है, जो सबसे हार्ड लेवल है ना भाई गेम का वो। तो अभी तक तो फिलहाल हम खेल रहे हैं आपके सामने ही है, और अभी हमको ये मैच जीतना भाई, ये मैच जीत के हमारा प्लेयर बनेगा चैंपियन। और जो मैंने एंट्री रखी हुई है, अगर हमारा प्लेयर जीत के चैंपियनशिप उस एंट्री पे आएगा ना, तो आपको भी मज़ा आएगा यार, क्या एंट्री होगी उसकी। वो एंट्री सस्पेंस है आपके लिए, वो आपको मैच जीतने के बाद ही पता लगेगा कि मैंने कौन सी एंट्री रखी हुई है। अभी तक तो फ़िलहाल डैमेज हमें ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ये कि लेजेंड मोड में खेल रहे हैं भाई हम, बहुत हार्ड गेम चल रहा है।
रिवर्स भी बहुत कम आ रहा है और बड़ा माइनर सा ही आता है जब भी आता है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी आ रहा है बहुत है। फिलहाल हम पीट ही रहे हैं भाई, जितने भी मैच हुए सबको पीटा ही है हमने। पिछले मैच में हमने दो दो प्लेयर को एक साथ हरा दिया यार, बढ़िया मैच हुआ है, नॉकआउट किया दोनों के दोनों प्लेयर्स को। और यहाँ पर भी थोड़ा डैमेज, चलो डैमेज हमने थोड़ा बहुत बराबर कर ही दिया है दोनों का। और ये देखो भाई रिवर्स कितना ज़्यादा हो रहा है, ये डैमियन प्रीस्ट कितना रिवर्स कर रहा है, ये अपनी बैच को, बेल्ट को बचाने के लिए भाई, चैंपियनशिप को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा, देखना। मानने वाला नहीं है भाई इतनी जल्दी से हारिए, क्योंकि यार कोई भी चैंपियन है भाई वो अपनी चैंपियनशिप को क्यों जाने देगा इतनी जल्दी। और ये हम सारा कुछ जितना हो सके उतना ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ताकि जब हम कवर करें ना भाई तो कवर हमारा सक्सेसफुल रहे यार, हम मैच जीत जाए जैसे भी करके। पूरा डैमेज दे रखा है, स्टंट होने वाला है, देखते हैं स्टंट कर देगा क्या हमारा प्लेयर। अरे भाई रिवर्स कर गया यार फिर से, कितना रिवर्स करेगा भाई। चलो अभी फिलहाल तो पिट रहा है भाई, डैमेज देख रहे हो कितना कर दिया हमने इसको। शुरू शुरू में इसने हमें बहुत पिटा भाई, फिर उसके बाद से तो अभी तक हम ही मार रहे हैं इसको। रिवर्स आएगा, चलो रिवर्स आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये लो भाई रनिंग एल्बो रिवर्स कर गया भाई फिर से, बहुत रिवर्स कर रहे हैं यार लेजेंड मोड में करने के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए यार, और इससे हमारा भाई हौसला भी बढ़ा रहता है। ओ भाई रिवर्स कर गया भाई, तो स्टाइल दिखा रहा है, ले खा भाई पंच लगाया अभी हम। ओ रिवर्स कर गया भाई फिर से रिवर्स कर दिया इसने। चलो कोई बात नहीं, रिवर्स कर रहा है अच्छी बात है। ये भी बेचारा गेम अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए आया है, अपनी गेम को बचाने के लिए आया है ये भी, कि ये गेम जो है मेरे हाथ से ना निकले। पिटाई दोनों की लगभग बराबर ही है, इसके सर पे थोड़ा सा डैमेज हमने ज़्यादा दे रखा है। चलो वो डैमेज भी ज़रूरी था यार, नहीं तो हमारा प्लेयर जीतेगा कैसे। वो चोक स्लैम की तैयारी थी लेकिन रिवर्स कर दिया, सिग्नेचर मूव लगाया था इसने अपना चोक स्लैम। वो हमारा भी रिवर्स कर गया यार ये सिग्नेचर, हमने दोनों ने एक दूसरे का रिवर्स कर दिया सिग्नेचर को। तो फिनिशर आने वाला है, देखते हैं अभी किसके पास फिनिशर आता है। मेरे पास आया भाई, मैं तो टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं तो मिनट जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि लगा दो, रोप ब्रेक हो जाएगा मुझे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रोप ब्रेक हो गया भाई, चलो अब तो शुक्र है भाई रिवर्स हो गया। डैमेज देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा पड़ा हुआ, अगर यहाँ पे इसने हमें कवर कर लिया ना भाई फिनिशर या सिग्नेचर लगा के, तो मुझे लगता है ये मैच हमारे हाथ से चला जाएगा। अगर वैसे हम कोशिश करेंगे, जाने नहीं देंगे। रिवर्स फिर से रिवर्स कर गया यार, मुझे लग रहा था स्टंड होगा, ये स्टंड होने के बाद हम इसको फिनिशर लगाएंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही काम होगा। चोक स्लैम भाई और रिवर्स भी नहीं हुआ। ओ तेरी भाई, यहाँ काम ना हो जाए यार, गलत ना हो जाए, बस कोशिश कर रहे हैं भाई बच जाए, किसी तरह से बच गया भाई। तो अब हमारी कोशिश ये है कि अब हम बच गए हैं भाई, और अब इसको पेलना है भाई पूरा सिग्नेचर, बेशक चला जाए। लो स्टंड हो गया भाई, स्टंड होने का देखते हैं, कोशिश करते हैं हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। रिवर्स कर गया फिर से, स्टंड में भी रिवर्स कर रहा है यार, हद होगी। चलो अब लेके चलते हैं भाई कॉर्नर पे, हमें सुपरमैन पंच। अबे ये कहाँ लगा नहीं यार, ये बड़ा पंगा है यार, एक तो ये इस फिनिशर का ना, इस फिनिशर का यही पंगा है कि पहले कॉर्नर में प्लेयर को लगाना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास फिनिशर आता है यार। चलो कॉर्नर में बिठा दिया, अब ये पड़ा भाई सुपरमैन पंच, और ये पड़ेगा स्पेयर इसको, ये पड़ा। देखते हैं क्या हो गया मैच, हम जीत गए हैं क्या। कवर कर दिया भाई हमारे प्लेयर ने एनजी स्टाइल ने, और ये फाइनली ओके। तो फाइनली हमने मैच जीत ही लिया भाई चैंपियनशिप का, और हम बन गए हैं भाई चैंपियन, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो अभी हमारे देखते हैं प्लेयर का स्टाइल क्या दिखाते हैं। आहा, खुश हो रहा है भाई, पार्टी टाइम। तो ये बेल्ट हमारे हाथ में आ चुकी है भाई चैंपियनशिप की, ये हुई ना बात। तो हमारा प्लेयर खुशी मना रहा है भाई, यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है भाई, और 11,000 से ज़्यादा फ़ैन हमारे साथ ऐड हो गए हैं। तो अभी सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे हमारे लिए कुछ ना कुछ आ रहा होगा, क्योंकि हमने चैंपियनशिप मैच जीत लिया है। तो ये बंदा पैसे मांग रहा है भाई, ये कह रहा है मेरे को पैसे दो, $50,000 कहाँ से दे भाई इसको, मैच तो हारे जा रहे थे यार, तुम कहाँ से दे तुम्हें पैसे, मैच तो सारे हार गए, तुम हमसे एक भी मैच जीत जाते भाई तुम्हें ₹50,000 मिल जाते, सॉरी रुपये नहीं डॉलर यार। तो ये कहाँ से आ गया भाई कैरेन क्रॉस, अब ये कहाँ से आ गया भाई, इसने हमारे जो
टिकटॉक टिकटॉक ये जो लगाता है ना भाई, हमारा उल्टा टाइम शुरू कर दिया इसने अपनी तरफ से, तो हम भी भाई रेडी हैं। तो आजा भाई तू, अगर तेरे को ज़्यादा ही इच्छा है भाई, ज़्यादा ही चुल मिच रही है तेरे को फाइट करने की, तो आजा। ओ ये देख लो भाई एंट्री, इस एंट्री के लिए भाई मैं स्किप करने लगा था वैसे, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि यार ये ही तो एंट्री देखनी थी भाई। इस एंट्री से पता है ना कौन आता है भाई, हमारी WWE का एक प्लेयर आता है इस सेम एंट्री से। ये देख लो भाई, ये हुई ना बात, ये एनजी स्टाइल, ये नाम के आगे चैंपियन लिखा रहा भाई के, तो अभी हुई ना बात मज़ेदार। तो चैंपियन बंदा जब चल के आता है भाई, ये ऐसे ही वॉक करता है भाई, किंग वॉक। ये चल भाई जल्दी आ जा, चलो देख ही लिया अब तो, बहुत स्किप कर देते हैं एंट्री को, नहीं देखते हैं थोड़ा सा अभी क्या रहेगा, क्या देख रहा भाई इधर उधर, और अब स्किप, चलो एंट्री स्किप कर दी क्योंकि बहुत बढ़िया एंट्री थी हमारी, देख ली हमने। और अभी कौन आ रहा भाई, क्या आएगा, कैरेन क्रॉस अभी आएंगे क्या, चैंपियनशिप मैच किसके साथ, मंसूर के साथ, मंसूर आ गया भाई फाइट करने के लिए चैंपियनशिप मैच। अब हमारे जो मैच है ना भाई, वो मुझे लगता है चैंपियनशिप के साथ ही हुआ करेंगे ज़्यादातर, नॉर्मल मैच हमारे कम ही होंगे क्योंकि चैंपियन बन गया भाई, तो उसको अपने आप पास बचाने के लिए कोई ना कोई हमसे पंगे लेता ही रहेगा कोई ना कोई चैंपियनशिप को। ये लो भाई, ये दिखा रहे हैं भाई चैंपियनशिप, ये हुई ना बात, मज़ा आ रहा है भाई इसको देख के कि हम चैंपियन बन गए हैं फाइनली चैंपियन, हमारा एनजी स्टाइल नॉर्थ अमेरिका का चैंपियन बन गया है। और देखते अबे आते ही रिवर्स यार, देखते आगे आने वाले टाइटल भी हम कोशिश करेंगे भाई जीतने की, हमने भाई स्मैकडाउन में जाके चैंपियन बनना भाई, हमने रोमन भैया से उनका चैंपियनशिप, ट्राइबल चीफ से उनका चैंपियनशिप लेना है। और जो आपने एंट्री देखी थी ना भाई हमारे प्लेयर की, वो एंट्री रोमन की ही आपने देखा होगा अगर स्मैकडाउन में, ट्राइबल चीफ इसी तरह से किंग वॉक करके आते हैं, तो वही वाला जो है हमने एंट्री करवाया अपने प्लेयर का भाई। फिलहाल तो मसूर से, इस मसूर की दाल से भाई जीतना है जैसे भी करके, क्योंकि चैंपियनशिप हमारे पास रहेगी तभी हमारा जो आगे राइवलरी हमारी कैरियन केविन क्रॉस के साथ जो चल रही है भाई, वो आगे तभी चलेगी हमारे पास, अगर चैंपियनशिप की जो बेल्ट है वो हमारे पास रहेगी। ओ भाई, तो फिलहाल भाई ये देख लो कितना ज़्यादा डैमेज पेल दिया भाई आते ही इसने, ये है कमाल लेजेंड मोड का, रिवर्स कर दिया। चलो एनजी स्टाइल भी कम नहीं है यार, अब इसकी पिटाई शुरू। तो जब तक हमारा प्लेयर पिटता है भाई, पिटता रहता है, जब पिटने पे आता है तो बहुत पिटता है। ये क्या था भाई, कैरेन क्रॉस आगे क्या, अरे नहीं भाई ये कैरेन क्रॉस की जो GF है भाई, ये आई है पहले हमारे मैच को ख़राब करने के लिए, तो इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होने देंगे। तो ये टिकटॉक हर बार यही आती है भाई, और उसके बाद आते हैं कैरेन क्रॉस। क्या इस मैच में कैरेन क्रॉस आएंगे, देखते हैं भाई, अगर आए तो हमें कैरेन क्रॉस से भी बचना पड़ेगा अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए। और ये मसूर तो भाई, मसूर की दाल तो मार ही रहा भाई, इसने हमारी दाल बना दी मार मार के भाई। तो डैमेज तो बराबर हमने कर दिया, पर अब हम ये देखते हैं कि ये मैच हम जीतेंगे या नहीं। रिवर्स आना चाहिए भाई, रिवर्स करना, रिवर्स अब हो गया भाई, रिवर्स हो गया, बैक फ्लिप लगाई थी पर ये ले क्लोज लाइन ले भाई, बैठे बैठे पे क्लोज लाइन चिपका दिया है हमारे प्लेयर ने। तो एनजी स्टाइल भाई पूरा ब्रुटैलिटी के मूड में है भाई, तोड़ फोड़ पूरी चक रखी है इसने काम, फिर से रिवर्स करके भाई मसूर, अबे रुक जाना भाई, रिवर्स यार जब भी भाग के जाता हूँ इसकी तरफ को भाई रिवर्स कर देते हैं यार, इतना तेज है भाई ये मसूर, पिटेगा फिर भी यार ये हमसे जितना मर्जी तेज हो। सिग्नेचर मूव आ गया लगा दो, रिवर्स कर गया यार, सिग्नेचर मूव हमारा रिवर्स कर गया भाई, सिग्नेचर मूव इसके पास भी, और देख रहे हो डैमेज कितना ज़्यादा हो गया हमारे प्लेयर को, बस होना नहीं चाहिए भाई, फिलहाल रिवर्स नहीं होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई बात नहीं, मार मार के इसको फिनिशर लेना है हमें भाई। और सिग्नेचर मूव है इसके पास, अगर सिग्नेचर मूव हमें पड़ा तो हमारे साथ भी दिक्कत हो सकती है प्लेयर के साथ, पर जो भी है फिलहाल अभी जीतना है कैसे करके। और रिवर्स कर दिया हमारे प्लेयर ने, और ये हो गया भाई स्टंट, अब इसको मार मार के स्टंट में ही ना भाई, हमें फिनिशर लेना है फटाफट से, ताकि फिनिशर जितनी जल्दी आएगा फिनिशर चिपका के मैच को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, यही एक रास्ता है मैच को जल्दी ख़त्म करने का। और फिनिशर भी आपने देखा ना भाई, दोनों ही कौन से खतरनाक दे रखे हैं हमने, फिनिशर आ गया भाई, अब लेके चलते हैं इसको कॉर्नर पे,
क्या कॉर्नर पे ले जाया जाएगा? हाँ, और ये लो भाई सुपरमैन पंच पड़ गया भाई इसको, और स्पेयर तो पड़ेगी भाई, कॉम्बो जो दे रखा है। चलो अब देखते हैं क्या मसूर की दाल का खात्मा हो जाएगा भाई। टू और होते होते रह गया यार, मुझे लगा था कि तीसरा काउंट हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, इतना डैमेज पड़ने के बाद भी यार ये मसूर अली नहीं जा रहा है। अब ये अपना कमाल दिखाएगा भाई, लेकिन इसके कमाल से पहले हमने कमाल करना है तभी, इसके कमाल से पहले हमें कमाल करना है तभी हम प्लेयर, हमारा प्लेयर जो है वो जीत पाएगा। अरे रिवर्स आया था, रिवर्स क्यों नहीं किया? कम बैक मूव लगा दिया भाई इसने मसूर ने। अबे रुक जाना मसूर। ओ भाई और डैमेज हो गया यार, कवर ना कर दियो बस प्लीज़, कवर ना कर दियो। रिवर्स हो गया, सिग्नेचर मूव हमारे पास आ गया, और ये अपने सिग्नेचर मूव इसको चिपका दिया, और उसके बाद फिर फिनिशर भी चिपकाएंगे। अगर फिनिशर लगा तो समझ लो हमारा काम यहाँ पर फिनिश, मसूर एलिमिनेट सॉरी उसके बाद हार जाएगा मुझे लगता है। सबमिशन मूव लगा दिया भाई, चलो सबमिशन मूव से देखते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं सबमिशन मूव। मुझे लगा कहीं ये रिवर्स ना कर जाए, इसलिए मैंने सबमिशन मूव लगाया, रिवर्स तो करना ही था यार, बस ये हमारा जो फिनिशर मूव है उसे रिवर्स ना कर दे बस। चलो भाई अब भाग के सुपरमैन पंच, ओ फिर रिवर्स कर गया यार, कितना रिवर्स करेगा? चलो हमने भी रिवर्स कर दिया, एक फिनिशर हमारे पास है और, अभी कोई बात नहीं, कवर कर लिया भाई, फिनिशर नहीं है। ओहो हो तो हम फिनिशर के बिना ही जीत गए यार, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा कर रखी थी इसकी, और सुपलेक्स के साथ ही हमने जीत हासिल कर ली है। तो मैच में कोरिन कैरिन क्रॉस मुझे लगता था कि आएंगे, पर अभी तक आए नहीं हैं, तो मुझे लगता है आगे कुछ ना कुछ पंगा वो करेगा भाई, वो बंदा बिना पंगे के तो रहने वाला है ही नहीं, कुछ ना कुछ करेगा आगे जाके, और क्या करेगा भाई देखते हैं आने वाले टाइम में पता लगेगा हमें। तो अगला मैच हमारा जो है वो शुरू होने वाला है, मैच साथ के साथ दिखा रहा हूँ भाई आपको, बीच में जो भी है उसे मैंने कट आउट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो भाई मैंने एंट्री को नहीं किया स्किप, थोड़ी सी एंट्री दिखा के, ये वाली जो एंट्री है ना यार ये मज़ेदार एंट्री है भाई, पूरी अपने ट्राइबल चीफ की एंट्री है ये, तो हमने ले रखी है। और ये देखो एनजी स्टाइल के नाम क्या के चैम्पियनशिप का लग रहा है भाई, अभी अगले प्लेयर से चैम्पियनशिप की फ़ाइट करनी पड़ेगी हमको, और ये फ़ाइट हमें लगातार करनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें बचाना है अपनी चैम्पियनशिप को। तो अभी ये एक और आ गया भाई, ये मुर्दल्ला, ये हमसे फाइट करेगा, ये जीतेगा क्या भाई? इसको तो हम जीतने नहीं दे रहे। ओ लो भाई ये तो सामने मसूर जो है भाई वो कम से कम आते ही उसने रिवर्स तो कर दिया था, इस पे तो रिवर्स ही नहीं हुआ बेचारे पे। चलो अभी देखते हैं क्या रहता है, क्या हम ये मैच जीत पाएंगे? अगर ये मैच हम जीतते हैं तो मुझे लगता है शायद इस मैच में आएगा मसूर, नहीं सॉरी अपना कैरियन क्रॉस, क्योंकि उसने टिकटॉक शुरू कर रखा है ना भाई मेरे नाम के आगे का, सॉरी मेरे नहीं मेरे प्लेयर के नाम के आगे का टिकटॉक शुरू कर रखा है। तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अभी इसके जैसी ही और वीडियो आपके लिए आती रहेगी, तो उसके लिए आपको चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना यार, तभी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा भाई लोग। मैच बहुत खतरनाक चल रहा है, रिवर्स चलो हो गया। ओ भाई ये लो भाई रिवर्स कर दिया, मुंह पे मुक्का खाया भाई, कैसा मजा आया भाई। अभी तो फिलहाल फाइट चली रही है, इस मैच में मुझे लगता है कि आएंगे भाई कैरियन क्रॉस, कहीं उसी टाइम पे आधे रास्ते में ना जाए। ये तो बंदा मार ही बहुत खा रहा है यार हमसे, इतनी मार तो किसी ने भी नहीं खाई भाई लेजेंड मोड करने के बाद। कवर कर रहा है भाई हमें, इतनी जल्दी कवर करेगा क्या? अबे पागल है क्या, किसने भेज दिया भाई इसको एनएक्सटी में? ये तो बिल्कुल ही पागल लग रहा है भाई, इतनी जल्दी कोई डैमेज नहीं कोई कुछ नहीं, और ये हमें कवर कर देगा, इसको क्या लग रहा है, ये क्या समझ क्या है भाई? नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है हम, ऐसे नहीं। ये लो भाई पड़ी, हमने भी कवर कर लिया भाई, जब उसने कवर किया हमने तो डैमेज दे रखा है, डैमेज के बाद ही कवर कर रहे हैं हम, तो वो बिना डैमेज के ही कवर करे जा रहा था। तो यहाँ पर हमने एक इमोट दिखा दिया भाई, इमोट के बाद एनर्जी प्लस हो जाती है। तो ओ भाई क्लोज लाइन, यानी कि मज़ा आ रहा है भाई मैच खेल के, और डैमेज आप देख ही रहे हो भाई कितना डैमेज पा दिया है इसको। और ये हो गया हमारे पास सिग्नेचर मूव आ गया, इसको बचने के, अरे बचा नहीं, मुझे लगा था प्लेयर बच जाएगा हमारा, अब बचेगा, बच गया तो
फाइनली इसने अपने आप को बचा ही लिया यार। अब उठाएंगे हम इसको और इसको सिग्नेचर मूव लगाना भाई जल्दी है जल्दी, ताकि हमारे पास फिनिशर आ जाए। सिग्नेचर मूव को लगाना पड़ेगा, स्टंट करके ही लगाएंगे, देखते हैं स्टंट कर लेते हैं पहले प्लेयर को, नहीं तो यार ये रिवर्स बहुत करते हैं भाई। स्टंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, फिर रिवर्स कर गया, देख लो यार इतना कितना रिवर्स करोगे भाई। स्टंट हो गया भाई, तो हो गया अभी सिग्नेचर मूव लगाते हैं और उसके बाद अपना फिनिशर तो लगाना ही है भाई, वो तो फिनिशर तो लगाना बनता ही है। सिग्नेचर चिपका दिया है स्टंट मोड पे। ओहो बेचारा स्टंट था भाई, स्टंट मोड पे कौन मारते हो यार, स्टंट क्यों मारते हो बेचारे को। ये अपनी मम्मी को जाके कह देगा भाई इतना मारोगे तो इसको। ओ भाई रिस्ट क्लच भाई, ये तो ब्रूटैलिटी पे करने पे उतर आया, हमारे प्लेयर की पूरी तोड़ फोड़ कर रखी है, हड्डियाँ हुडियाँ तोड़ देगा भाई ये तो हाथ की। अबे हमारा प्लेयर घड़ी कहाँ बांधेगा भाई, देख रहे हो ना हमारे प्लेयर ने वैसे भी घड़ी बांधी हुई है, ऐसे ही नहीं है भाई, समझदार बंदा है, किसी को टाइम भी बताना पड़ सकता है भाई। रिवर्स कर दे यार, रिवर्स रिवर्स हो गया हो गया हो गया हो गया, रिवर्स हो गया। क्या लाइट कोम्बो मार के हमारे प्लेयर को हराएगा क्या तू बे लल्लू ओ। चलो भाई अभी हमारे पास आ गया है सुपरमैन पंच। अबे यार रुक जा ना दो मिनट के लिए, क्या जा रहा है भाई तेरा, रुक जा। और ये उठा भाई इसको, फिर रिवर्स कर गया यार, कितना रिवर्स करेगा, उठा 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 भाई, रिवर्स कर दियो। रिवर्स करने के बाद इसको उठा के फिर वही यार, अबे घड़ी कहाँ बांधेगा हमारा प्लेयर, तेरे को समझ नहीं आ रही भाई, बार बार उसकी रिस्ट के पीछे पड़ा हुआ है, इसको कोई और चीज़ दिख नहीं रही क्या हमारे प्लेयर के बीच में भाई। रिवर्स पे रिवर्स करे जा रहा है और हमारे प्लेयर के हाथ तोड़ रहा है, ताकि मैं जीतूँ ना जीतूँ कोई और भी जीतना नहीं चाहिए। अरे वाह अब तो आ गया भाई पकड़ में, मुझे लग रहा है अब इसको पीट पीट के जीत जाएंगे, वैसे तो डैमेज इतना ज़्यादा पड़ गया ना भाई इसको, बिना बात के भी जीत सकते हैं, बिना कोशिश करें अगर हम कवर करें तो ये शायद मैच हम वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि जितना डैमेज इसको पड़ा हुआ है ना ये बहुत है डैमेज यार, डैमेज चलो डैमेज डालने के लिए हमने ये काम किया था, यानी कि हमने इसको सबमिशन मूव इसीलिए लगाया था कि डैमेज और ज़्यादा हो। फिर रिवर्स कर गया यार, हमारे पास एक तो फिनिशर नहीं आ रहा और इसके पास फिनिशर आ गया, चलो हमारा डैमेज कम ही है, अगर इसे फिनिशर लगा भी देता है तो भी शायद बच ही जाएगा हमारा प्लेयर, कोई ऐसी बात नहीं है। वो रिवर्स कर गया भाई एनजी स्टाइल, तो भाई अब बस ये मैच जीतना है जैसे भी करके। अभी तक कैरन क्रॉस आया नहीं यार, मुझे लग रहा था कि आएगा बट अभी तक आया नहीं है, कवर कर लिया भाई ओ टू काउंट होने पे, चलो कोई बात नहीं फिनिशर लगा के उसके बाद तो फिर तो हमें जीतना ही है भाई। इसने ज़्यादा कुछ तंग नहीं किया हमारे प्लेयर को, बाकी जो पीछे मैच हुआ था भाई मसूर के साथ, वो मसूर की दाल भाई बड़ा ख़तरनाक है। और ये लो सुपरमैन पंच कनेक्ट हो गया भाई, और ये फिनिशर अब कंप्लीट होगा स्पीयर के साथ, स्पीयर पड़ गई, अब इसको कवर कर लेते हैं भाई, अब तो काम हो ही गया लगभग मेरे को लग रहा है। और ये वन टू और थ्री, अब फिर से रह गया यार, कितनी मार खाएगा भाई, इतना ऑलरेडी डैमेज तो है, अभी भी इसको समझ नहीं आ रही यार कितनी कितना मार खाएगा। चलो दोबारा कवर करते हैं क्या, शायद अब हो जाए, लो अभी तो एक काउंट हुआ भाई, एक काउंट में इसने ऐसी तैसी कर दी। चलो ये अभी इसको थोड़ा सा एक हैवी डैमेज और देना पड़ेगा, उसके बाद करके देखते हैं कवर। सिग्नेचर मूव, सिग्नेचर मूव आ गया भाई, सिग्नेचर के बाद ही करके देखिएगा कवर, चलो देखते हैं, अगर दिल किया तो सिग्नेचर के बाद, नहीं तो फिर फिनिशर के बाद तो करना ही करना है, उसके बाद तो बनता भी है। स्टंट हो गया बंदा, स्टंट हो गया, अब इसको लेके चलते हैं भाई कोने पे, इसको खोपचे में ले जाके और इस पे जय सुपरमैन पंच। और अब पड़ेगा भाई इसको स्पेयर, अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता, जिस डैमेज पड़ गया भाई इसको बहुत ज़्यादा, तो अब तो कवर कर लिया हमने, हम ये मैच जीत ही जाएंगे भाई। वन टू थ्री, और ये हमारा फाइनली हमारा प्लेयर फिर से मैच जीत गया, लेकिन कैरन क्रॉस अभी तक नहीं आया मैच के अंदर। चलो ये हमारा प्लेयर हार जाता, क्या फ़ायदा, बैट ले ले। अबे ये क्या भाई, चैंपियनशिप लेने ही वाला था हमारा प्लेयर, और ये क्या क्या हो गया भाई, ब्लैकआउट हो गया सारा का सारा। ओ भाई ये तो पीट दिया हमारे प्लेयर को यार, तो अंधेरे का फ़ायदा उठा गया कैरन क्रॉस, मुझे लगता है ये वही होगा भाई कैरन क्रॉस। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे ये कैरन क्रॉस ने किया क्या। भाई ये देख लो भाई,
ये उसी का काम है, ये टिकटॉक टिकटॉक। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि अभी आगे आने वाले एपिसोड में कैरेन क्रॉस क्या करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।